वीडियो में मैं बता रहा हूँ फास्ट यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट है उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं। पहले बीबीए साइट को देख लें या बीएस इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। बीएस में और बीएस या जो जिसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं इंजीनियरिंग सीएस बीएस कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग, इनमें क्या पैटर्न है? देखें बीबीए में इंग्लिश 15 मार्क्स की है और इंजीनियरिंग या बीएस कंप्यूटर साइंस में इंग्लिश 10 मार्क्स की है। जहाँ तक ऐसे का ताल्लुक है वो सिर्फ बीबीए के टेस्ट में 15 मार्क्स का, इंजीनियरिंग या बीएस कंप्यूटर साइंस में ऐसे नहीं आता। लेफ्ट साइड पे देखें तो बीबीए में आईक्यू के जो मार्क्स हैं वो 30 हैं, इंजीनियरिंग में आईक्यू के मार्क्स 20 हैं। बेसिक मैथ्स का पोर्शन बीबीए में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मार्क्स यही लेता है 40 मार्क्स, जबकि इसके बरक्स इंजीनियरिंग में बेसिक मैथ्स 20 मार्क्स की है लेकिन एडवांस मैथ्स जो है वो 40 मार्क्स की है। एडवांस मैथ्स याद रखें वो हमारे जो है बीबीए के टेस्ट में नहीं है। इसी तरह फिज़िक्स जो है वो इंजीनियरिंग में 10 मार्क्स की है और बीबीए के टेस्ट में फिज़िक्स भी नहीं आती। पहले फिज़िक्स इंजीनियरिंग के टेस्ट में भी नहीं आती थी लेकिन अब आती है, तहम इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो एडवांस मैथ्स यानी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव, बेसिक मैथ्स ये प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, आईक्यू एंड एनालिटिकल रीजनिंग ये 20 मार्क्स की, इन सब्जेक्ट की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फास्ट यूनिवर्सिटी के पास पेपर की वीडियो अभी मैंने डाउनलोड की है, तमाम यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स की डाउनलोड कर रहा हूँ वीडियोस में, तो उसमें आप देख सकते हैं पास पेपर में कैसे क्वेश्चंस आए, और जिन्हें तैयारी करनी है तो हमसे रुझू भी कर सकते हैं। थैंक्स।